हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें जो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके दो अलग अलग पाथवेज देखे थे हमने, जिसमें से एक हमने बीटा पाथवे देखा था और एक और पाथवे था उसके साथ मल्टीपल अल्टरनेट थ्योरी ऑक्सीडेशन जो थी उसको देखा था। ये दो पाथवेज हमने समझ लिए थे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो कि अगेन लिपिड मेटाबॉलिज्म में ही हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट्स नहीं देखे तो एक प्लेलिस्ट है एनिमल फिजियोलॉजी नाम से एंड रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री, आप उसमें सारे पार्ट्स लाइन वाइज चेक कर सकते हैं बाद में। सो स्टार्ट करते विदाउट अ फर्दर अडू बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो थोड़े बहुत इसके पहले कंसेप्ट देखेंगे यहां पर। अगर हमें सिंथेसिस करवाना है फैटी एसिड का, सिंथेसिस ऑफ अगर फैटी एसिड हमें करवाना है, तो वहां पर दो पाथवेज ऐसे होते हैं जो कि ओपन होते हैं। टू पाथवेज आर देयर विच आर ओपन, ठीक है, देयर आर टू पाथवेज विच आर ओपन। दो पाथवेज ऐसे होते हैं वहां पर जो कि ओपन होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है फर्स्ट पाथवे, पहला पाथवे जो होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ द पाथवे फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये पूरा का पूरा रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ द पाथवे। जो पाथवे हमने पढ़ा था किसके लिए, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, मैंने आपको पढ़ाया था। इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो सेगमेंट देखकर आए, क्योंकि उसी से आपको ये चीजें आगे की समझ में आएंगी। सो रिवर्स ऑफ द पाथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो था, फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, उसका पूरा रिवर्स अगर हम कर देते तो ये पहला पाथवे इसके लिए बन जाता है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के लिए बन जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐसी स्टेप होती है इस पहले वाले पाथवे में, जो कि वहां पर थोड़ा एक्सेप्शन रहता है, वो स्टेप यहां पर नहीं होती और अगेन उसी को हम बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। तो वो स्टेप कौन सी होती है जो कि इस रिवर्स ऑफ द पाथवे फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में नहीं आती, वो ये होती है एनएडीपीएच बीइंग द नेसेसरी कोएंजाइम इन प्लेस ऑफ एनएडीएच। यानी कि जब मैं आपको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ा रही थी और जहां पर एनएडीएच का यूज हमने किया था एज अ को एंजाइम, उसकी जगह पर एनएडीएच की जगह पर अब हमें एनएडीपीएच यूज करना होता है। ये बनाता है पहला पाथवे फॉर दी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, करेक्ट। अब समझ में आ रहा होगा, हम लोग अभी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पढ़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हमने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखा था। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब आप सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड करते हैं तो यहां पर पहला पाथवे जो होता है, जो कि ओपन होता है, वो सेम टू सेम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वाले ही स्टेप्स को फॉलो करता है, एक्सेप्ट फॉर द केस जहां पर हमने एनएडीएच यूज करा था एज अ को एंजाइम, अब हम उसकी जगह पर यहां पर एनएडीपीएच को यूज करते हैं। ये पहला पॉइंट होता है और ये जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है। सो ये इसकी जो प्लेस है वो भी आपको हर जगह पर मैं हमेशा आपको पॉइंट आउट करवाती हूँ कि इम्पोर्टेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली स्टेप यहां पर होती है। एंड कंप्राइज अ सिस्टम इन विच द प्रीफॉर्म फैटी एसिड बिकम इलोंगेटेड थ्रू कंडेंसेशन विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहां पर क्या होता है, फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये होता ही है, लेकिन लास्ट में एक सिस्टम यहां पर फॉर्म होता है जिसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, प्री फॉर्म फैटी एसिड्स होते हैं और वो इलोंगेटेड होते हैं, ये थोड़े से इलोंगेटेड हो जाते हैं। कैसे इलोंगेटेड हो जाते हैं, थ्रू कंडेंसेशन कंडेंसेशन के थ्रू ये इलोंगेटेड हो जाते हैं। विथ किसके साथ, कंडेंसेशन तो हो रहा है इलोंगेटेड भी हो रहा है, किसके साथ फैटी एसिड इलोंगेटेड होते हैं, विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके साथ ये सारी प्रोसेस यहां पर हमें देखने को मिलती है। ये था पहला पाथवे। तो पहला पाथवे आपको समझ में आ गया होगा अब बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में। फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, अगर हमें सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स करवाना है, टू पाथवेज आर ओपन। द फर्स्ट इज रिवर्स ऑफ द पाथवे फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एक्सेप्ट एनएडीपीएच बींग द नेसेसरी कोएंजाइम इन प्लेस ऑफ एनएडीएच। This only occurs in mitochondria and comprises a system in which preformed fatty acids become elongated through condensation with the acetyl coenzyme A. ये था पहला पाथवे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पाथवे की। सेकेंड पाथवे, अब बात यहां पर हमारे आती है सेकेंड पाथवे की। तो सेकेंड पाथवे में, जैसे कि अभी यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का नाम हमने लिया था, तो सेकेंड पाथवे में क्या होता है, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा था, लेकिन सेकेंड वाला पाथवे कहां पर होता है, सबसे पहले हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं, जो सोल्यूबल पार्ट होता है, सोल्यूबल पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, सोल्यूबल पार्ट ऑफ द सेल जो होता है वहां पर अभी ये सेकेंड पाथवे होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है कि जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट,
प्रिंसिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे मेन जो चीज होती है इस रिएक्शन की लास्ट में, वो यहां पर जो बनती है वो क्या होती है। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसको कहते हैं पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड यहां पर सबसे ज्यादा प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है जो कि लास्ट में इस पाथवे में फॉर्म होता है। तो पामेटिक एसिड होता है सोल्यूबल पार्ट ऑफ सेल में, ये परफॉर्म होता है रिएक्शन। और ये कैसे बनता है पामेटिक एसिड, फॉर्म फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहां से बनता है, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, उससे बनता है। इतना क्लियर हो गया हमें। सो ड्यूरिंग दिस पाथवे द फर्स्ट, अब इस पाथवे में क्या होता है हम वो डिस्कस करें। सो ड्यूरिंग दिस पाथवे फर्स्ट अ थ्री कार्बन इंटरमीडिएट मेलोनाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड बाय थ्री मेथड्स। यहां पर शुरू में क्या होता है इस पाथवे में, तीन कार्बन वाला यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, एक इंटरमीडिएट भी यहां पर बनता है इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट में क्या खास बात होती है कि ये जो इंटरमीडिएट होता है उसमें तीन कार्बन होते हैं, और वो कैसे बनता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए से बनता है। सो मेलोनाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड, यहां पर ये क्या बना देता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है बाय थ्री मेथड्स। तीन मेथड्स होती है यहां पर, अगेन पहली दूसरी और तीसरी। अब क्या होती है, पहली मेथड होती है मेलोनिक एसिड जो होता है, मेलोनिक एसिड वो रिएक्ट करता है किसके साथ, को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एटीपी की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। ये होती है पहली स्टेप। सो मेलोनिक एसिड रिएक्ट्स विथ, या फिर आप कह सकते हो हाँ ठीक है ये सही रहेगा, मेलोनिक एसिड रिएक्ट्स विथ को एंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये पहली स्टेप होती है। दूसरी होती है मेलोनिक एसिड एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म मेलोनाइल कोएंजाइम ए। यहां पर क्या होता है, अब यही मेलोनिक एसिड, इसी की मैं नीचे लिख रही हूं, पूरा नाम नहीं लिखा। मेलोनिक एसिड जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ, सक्सिनाइल कोएंजाइम के साथ। और क्या बना लेता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए बना लेता है, ठीक है। और साथ में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी था, तो इसके साथ एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट। सक्सिनेट भी यहां बना लेता है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, तो ये यहां पर ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में होती है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, एटीपी की प्रेजेंस में हो रही थी, अब सेकेंड रिएक्शन हमारी ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में होती है। थर्ड हमारे पास आते हैं CO2। CO2 कैन बी फिक्स्ड टू, अब यहां पर CO2 को हम फिक्स कर सकते हैं, किसके साथ फिक्स कर सकते हैं, टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये किस एंजाइम के थ्रू होता है, अब यहां जो एंजाइम आता है उसको कहते हैं एसिटाइल कार्बोक्सीलेज, कार्बोक्सीलेज एंजाइम, ठीक है, एसिटो कार्बोक्सीलेज एंजाइम इसको कहते हैं। तो ये तीन रिएक्शंस हमारे मेन हो जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये जो सेकेंड हमारा पाथवे होता है, इट अकर्स इन सोल्यूबल पार्ट ऑफ द सेल एंड द प्रिंसिपल प्रोडक्ट फॉर्म हियर इज द पामेटिक एसिड। फिर हमने बात की कि ये जो पामेटिक एसिड होता है ये किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहां पर हमने नेक्स्ट बात की कि ड्यूरिंग दिस पाथवे सबसे पहले क्या होता है, थ्री कार्बन इंटरमीडिएट इज फॉर्म जिसका नाम होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। और इस मेलोनाइल कोएंजाइम ए को बनाने के लिए हमें तीन मेथड्स लगती है, ठीक है, हम इसी को बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमें कितनी मेथड्स लगती है, तीन मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज मेलोनिक एसिड रिएक्ट्स विद कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। सेकेंड मेथड इज मेलोनिक एसिड एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्लस सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज। एंड द थर्ड स्टेप इज CO2 कैन बी फिक्स्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय एन एंजाइम जिसको कहते हैं एसिटाइल कार्बोक्सीलेज। ये तीन रिएक्शंस आ गई हमारे पास। तो ये हमारी तीन स्टेप्स हो गई, ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी कि क्या स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म होती है इस पाथवे को पूरा करने के लिए। सो लास्ट में अब हमारे पास जो यहाँ पर हमारा मेन जो हमारा मोटिव था कि हम यहाँ पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करें, वो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। तो ये यहाँ पर फॉर्म जब होता है तो कुछ और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमने ध्यान से देखे वो कौन कौन से थे, एक था एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो कंबाइन कर रहा था यहाँ पर इंदी। यहाँ पर एक चीज और होती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है, मैंने रिएक्शन में नहीं बताया, अब एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ए होता है, वो यहाँ पर कंबाइन करता है इंदी प्रेजेंस ऑफ एनएडीपीएच। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पर एनएडीपीएच आ जाता है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो एनएडीपीएच के साथ कंबाइन करता है और वो फोर कार्बन चेन को फॉर्म करता है। तो फोर कार्बन चेन किस तरह से फॉर्म होती है उसका रिएक्शन मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में यहाँ पे बताऊंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये जो स्टेप्स होती है इनका रिपीटेशन बार बार होता है और सक्सेसिवली हमारे पास सिक्स
8, 10, 12, 14 फाइनली 16 कार्बन का जो पामेटिक एसिड होता है इस तरह से फॉर्म होता है। तो धीरे धीरे करके ये रिएक्शन बार बार यील्ड करती है। और क्या होता है, सक्सेसिव वे में हम ये देखते हैं कि 6, 8, 10, 12, 14 और फाइनली 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड इस तरह से हम बना सकते हैं। ये तो प्रोसेस की बात होगी। और जो यहाँ पर NADPH था इस पाथवे के लिए, वो यहाँ पर जो है हमने NADPH की बात की थी, इज मेड अवेलेबल बाय द पेंटोज फॉस्फेट शंट। वो यहाँ पर कहाँ से आता है, कोई पूछ ले हमसे कि जो NADPH है वो हमारे पास कैसे आता है, तो NADPH के लिए सॉरी आपको याद रखना है कि वो हमारे पास आता है पेंटोज फॉस्फेट शंट, इसके थ्रू आता है हमारे पास NADPH। सो द NADPH, ठीक है, सो द NADPH फॉर दिस पाथवे, इस पाथवे के लिए जो NADPH होता है इज मेड अवेलेबल बाय पेंटोज फॉस्फेट शंट। और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जो पाथवे होता है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ये वाला पाथवे जो था वो सोल्यूबल पार्ट ऑफ सेल में होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है ये सेकंड पाथवे। फर्स्ट तो हमें पक्के से पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, सेकंड पाथवे के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। तो ये दो चीजें थी जो हमने यहां पर देखनी थी, हमने क्लियरली यहां पर इसको सब चीजों को समझ लिया। अब मैं आपको रिएक्शन यहां पर शो कर देती हूं सारी, ठीक है। यहां पर एक रिएक्शन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ CO2 और ATP कंबाइन होते हुए दिख रहा है, और यहां पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हो रहा है, ADP और PI यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहां पर बन रहा है। उसके बाद मैंने जब आपको एक रिएक्शन बताई थी कि मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो फॉर्म होता है वो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH टू फॉर्म अ 4-carbon chain एज शोन बिलो। तो 4-carbon chain कैसे बनती है वो यहां पर अब ये वाले रिएक्शन में देख रहे हैं हम। तो देखो ये मेलोनाइल कोएंजाइम है, ये यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में, NADPH की प्रेजेंस में कर रहे हैं। अच्छा यहां पर NADPH कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, वो NADPH आपके पास आता है पेंटोज फॉस्फेट शंट के थ्रू, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन थी, इससे जो बनता है हमारे पास क्या बनना चाहिए, 4-carbon chain वाला एक कंपाउंड बनता है, ये देख सकते हो आप 4-carbon chain का कंपाउंड ये बन गया। साथ में CO2 भी बनती है, कोएंजाइम ए भी रहता है, 2-NADP भी रहता है और H2O भी यहां पर फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है बार बार होती रहती है, रिपीटेशन ऑफ अबव स्टेप्स यील्ड सक्सेसिवली 6, 8, 10, 12, 14 एंड फाइनली 16 carbon पामेटिक एसिड। और ये जो NADPH पाथवे होता है वो कैसे बनता है वो आपने पूरा समझ लिया। अब एक स्टेप और है, अब यहां पर एक पाथवे और आ रहा है, एक सेकंड में ये थोड़ा सा आपको सीधा कर देती हूँ, जहां मेन पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए, ये वाले पैराग्राफ पे। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि किस तरह से फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका हमने यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन देखना था। तो आप देख पाओगे यहां से सारी चीजों को समझ भी सकते हो कि किस टाइप से होता है। तो ये डायग्राम वैसे इंपॉर्टेंट ही है, अच्छा रहेगा अगर आप इसको ड्रॉ भी कर लेंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर। तो यहां पर आपका ये आज का जो टॉपिक था बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीटली समझ लिया है यहां पर। और ये जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं फैट का मेटाबॉलिज्म हम शो कर रहे हैं यहां पर, जैसे कि हम लिपिड मेटाबॉलिज्म हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो उसी में फैट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, फैटी एसिड की बात भी हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, वो रहेगा सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स भी थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो सेगमेंट में ये भी ऐड करते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स हमने यहां पर सिंथेसाइज किए थे, अभी जस्ट हमने जो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस किया था, ये अब यहां पर क्या करते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फैटी एसिड्स हमने सिंथेसाइज किया, इन फैटी एसिड्स को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स में और फॉस्फोलिपिड्स में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इन फैटी एसिड्स को कंबाइन करवा दें किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ, अगर हम इनको ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करवा देंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। सो इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ग्लिसरोफॉस्फेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इधर बाय द रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड ATP और बाय द रिडक्शन ऑफ डायहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फेट, लिख देते। तो अब यहां पर हमने ये दोनों रिएक्शंस लिख लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यहां पर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो हमने बात की थी फैटी एसिड्स का सिंथेसिस जब हुआ था वो ग्लिसरॉल के साथ यहां पर कंबाइन करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को बना सकते हैं। लेकिन इनमें जो प्रोसेस होती है उसमें पहली प्रोसेस ये कहती है कि ग्लिसरॉल और ATP ये दोनों कंबाइन करेंगे और ग्लिसरोफॉस्फेट बना लेंगे, या दूसरी रिएक्शन होती है कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है इसका रिडक्शन हम करवाते हैं यहाँ पर, उसमें एनएडीएच ऐड होता है और वो बना लेता है ग्लिसरोफॉस्फेट और एनएडी। तो अगर हमें ग्लिसरोफॉस्फेट को बनाना है उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होती है, दोनों में से कोई एक मेथड यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन थी और इसमें से ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, तो इस रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ ये कहाँ पर होती है, तो ये एडिपोज टिश्यू में होती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर ये रिएक्शन हो, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत कह दिया, ये वाली रिएक्शन, पहली वाली को पहले बताना था मुझे, मैंने गलती से नीचे वाली पर टिक कर दिया। ये जो पहली रिएक्शन थी ग्लिसरॉल और एटीपी कंबाइन करके ग्लिसरोफॉस्फेट बनाते हैं, ये एडिपोज टिश्यू में होती है। और वहीं ये वाली जो दूसरी रिएक्शन मैंने बताई उसमें भी ग्लिसरोफॉस्फेट बन रहा था, जिसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का हम रिडक्शन करवाते थे एनएडीएच के साथ कंबाइन करके। ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये होती है इंटेस्टाइनल, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल सेल्स में इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर ग्लिसरोकाइनेज नाम की जो चीज होती है एसेंशियल फॉर द फॉर्मर रिएक्शन जो था, यानी पहले वाला रिएक्शन के लिए जो था एसेंशियल ग्लिसरोकाइनेज जरूरी था इसके लिए, वो यहाँ पर नहीं पाया जाता इसी वजह से। अब यहाँ पर फाइनली दोनों स्टेप्स में ग्लिसरोफॉस्फेट तो बन जाते हैं, तो ये जो दोनों में कोई सी भी एक रिएक्शन से ग्लिसरोफॉस्फेट जो हम बनाते हैं वो यहाँ पर बनने के बाद क्या करता है, रिएक्ट करता है विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स। तो ग्लिसरोफॉस्फेट हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स के साथ मिल जाता है और फिर क्या बनाता है, वो बनाता है फॉस्फो, या हम कह सकते हैं फॉस्फाटिडिक एसिड बनाता है, विच इज देन यूज टू फॉर्म इधर अ ट्राइग्लिसराइड, या तो फिर आप इसके साथ ट्राइग्लिसराइड बना दो इससे, या फिर आप इससे एक फॉस्फोलिपिड बना दो। तो इस तरह से हमारे सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स कम्प्लीट हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस वाले पोर्शन के अंदर कि वेन द फैटी एसिड्स हैव बीन सिंथेसाइज, जो अभी जस्ट पहले इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस, तो हमने उसमें बना लिए थे। सो यहां पर स्टार्ट करना है इस पॉइंट्स के लिए कि वेन द फैटी एसिड्स हैव बीन सिंथेसाइज दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स बाय कंबाइनिंग विद ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करके। सो इन द प्रोसेस फर्स्ट ग्लिसरोफॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड इधर बाय रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड एटीपी, एक तो रिएक्शन ये होगी इसको वन लिखते हैं हम यहाँ पर और ये सेकेंड है, और दूसरे में क्या होता है, और बाय द रिएक्शन बिटवीन रिडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या फिर कह सकते हो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस एनएडीएच, जिससे कि बनता है ग्लिसरोफॉस्फेट प्लस एनएडी। ये हो गया क्लियर। द अबव रिएक्शन अकर्स इन एडिपोज टिश्यू एंड इन इंटेस्टिनल सेल्स, एज इन देम द ग्लिसरोकाइनेज एसेंशियल फॉर द फॉर्मर रिएक्शन इज नॉट फाउंड। अब यहाँ पर तो ग्लिसरोफॉस्फेट तो बन गया था, सो द ग्लिसरोफॉस्फेट सो प्रोड्यूस रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स टू फॉर्म फॉस्फाटाइडिक एसिड, एंड देन फिर फॉस्फाटाइडिक एसिड क्या करता है, इट कैन बी यूज टू फॉर्म इधर अ ट्राइग्लिसराइड और अ फॉस्फोलिपिड। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब एक जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो रहेगी बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं कि ये चीफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है इन दी बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जब भी आप स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करवाते हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेरॉयड आता है वो कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं वही रहता है। सो मेनी ऑफ द स्टेप्स फॉर द थीसिस ऑफ स्टेरॉइड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंथेसिस में हेल्प करने में हमें दिखाई देगी कि उसमें क्या क्या स्टेप्स होगी। कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं रहेगा, इसमें भी छोटा ही रहेगा। तो ये अभी तक लेकिन पूरी तरह से जो अच्छे से रिएक्शन हमारे पास आ जाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस की, वो अभी हमारे पास नहीं फिलहाल, अभी और इस पर रिसर्च चल रही है, बट स्टिल जितना है हमारे पास मैटर हम उसको तो समझेंगे यहाँ पर कि बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है। सो ऐसा सजेस्ट किया गया कि जो 27 कार्बन एटम्स होते हैं, 27 कार्बन एटम्स होते हैं किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के जो 27 कार्बन एटम्स होते हैं वो कहां से डिराइव होते हैं, वो डिराइव होते हैं फ्रॉम एसीटेट। कहां से डिराइव होते हैं, डिराइव फ्रॉम एसीटेट। ऐसा कहा जाता है कि 27 कार्बन एटम्स आप एसीटेट से ही डिराइव कर लेते हो कोलेस्ट्रॉल के, और एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH2COO-, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एसीटेट का। तो इसमें से आप 27 कार्बन एटम्स वाले जो 27 कार्बन एटम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के आप यहां से डिराइव करते हो। उसके बाद बात आती है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, एटीपी होता है, एनएडीपीएच होता है,
Mg2+ होता है, ग्लूटाथियोन होता है, ग्लूटाथायोन और कुछ और भी एंजाइम्स हो सकते हैं इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करना है. तो कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें. और जो कोलेस्ट्रॉल होता है इज जनरली नॉट फाउंड इन डाइट, हमें कोलेस्ट्रॉल डाइट में नहीं मिलता है. इट कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, इसको आपको सिंथेसाइज ही करवाना पड़ेगा, इसको डाइट से आप नहीं ले सकते, इसको बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है. ये बात क्लियर हो गई. फिर एनी एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो ब्लड है उसमें अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आ गया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल अगर ये यहां पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको एक्सक्रीट करना जरूरी हो जाएगा. तो इसको एक्सक्रीट करवाया जाएगा बॉडी से क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसको एक्सक्रीट करवाना जरूरी होगा. तो एक्सक्रीट कैसे होगा, इधर बाय इंटेस्टाइन, या तो उसको इंटेस्टाइन जो होगी वो एक्सक्रीट आउट करेंगे, और लिवर जो होता है उसको बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है, लिवर इन बाइल. ठीक है. सो बाइल के अंदर अगर हम बात करते हैं, बाइल जूस की बात करते हैं, तो इट में प्रेसिपिटेट इन गॉल ब्लैडर, वो वहां से प्रेसिपिटेट होकर गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है, ये भी पता होना चाहिए. और गॉल ब्लैडर में पहुंच अगर वो गया, ये बाइल के फॉर्म में जो कोलेस्ट्रॉल था, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो था, वो अगर गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाकर एक और नई चीज बना लेता है जिसको हम कहते हैं गॉल स्टोन्स. क्या कहते हैं हम उसको, गॉल स्टोन्स कहते हैं, जो कि अगेन हार्मफुल होते हैं. तो यहां से हमारे पास गॉल स्टोन्स का कंसेप्ट आता है कि गॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं. तो बॉडी के अंदर एक्सेस अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बन गया अगर बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता था वो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर 27 कार्बन एटम्स कोलेस्ट्रॉल के एसीटेट से आते हैं, साथ में ये सारी चीजें होती, इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को बनाना है. ठीक है. अच्छा कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्योंकि बॉडी में बहुत सारी प्लेसेस में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया तो वो हार्मफुल हो जाएगा, तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना जरूरी होता है. तो या तो इंटेस्टाइन्स कर देती है, और इंटेस्टाइन्स अगर नहीं कर पाएंगी तो वहां पर लिवर अपना एक्शन शुरू करता है. लिवर जब एक्शन शुरू करता है तो वो उसको बाइल जो रहता है, हम कह सकते हैं कि लिवर इन द बाइल या फिर इन बाइल, इट में प्रेसिपिटेट इन टू द गॉल ब्लैडर. बाइल में अगर आ गया है कोलेस्ट्रॉल तो वो कहां चले जाता है, गॉल ब्लैडर में चले जाता है. गॉल ब्लैडर में जाके वो गॉल स्टोन्स बना देता है, और गॉल स्टोन्स बन गया तो वो अगेन बहुत हार्मफुल प्रॉब्लम है. तो ये हमें पता होना चाहिए, जैसे किडनी में स्टोन्स बनते हैं और ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, वैसे गॉल स्टोन्स होते हैं यहां पर, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ओवर हो गया. हमने यहाँ पर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी कंप्लीट कर लिया, और इसके अलावा हमने जो जो चीजें आज के लेक्चर में देखी थी वो थी सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. उसके अलावा हमने बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स को भी आज कंप्लीट कर लिया. और जो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट होगा उसमें हम जो चीज देखेंगे उसको कहते हैं ट्रांसमिथाइलेशन, और कीटोसिस की भी कोशिश करेंगे, ओबेसिटी की भी कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें एक ही पार्ट में आ जाए, ट्रांसमिथाइलेशन, कीटोसिस, ओबेसिटी, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, और लास्टली हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म. देन हमारा पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म वहां पर कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी लर्निंग.